मुरादाबाद के ठाकुर द्वार क्षेत्र में शादी का झांसा देकर छात्रा से 2 साल एक युवक दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान आरोपी ने अपने दोस्तों की मदद से युवती का अश्लील वीडियो बना लिया और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को ब्लैकमेल करने लगा। फिलहाल पीड़ित और उसके परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज मेरी बेटी का मुकदमा दर्ज हुआ है। 2 महीने से हम परेशान थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जो रतपुरे का रहने वाला है सरताज अंसारी, वो 2 साल से संबंध बना रहा था और जब से मुझे इस बात का पता चला है हम बहुत परेशान थे। हम मुरादाबाद भी कई बार पहुँचे और बरेली IDG से हमारा मुकदमा दर्ज हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हमें हक मिलना चाहिए। आज मेरा मुकदमा पंजीकरण हुआ है और ADG की साहब ADG बरेली से मेरा मुकदमा पंजीकरण हुआ है। क्या मामला था? मैं पिछले 2 महीने से परेशान हूँ और ठाकुर द्वारा पुलिस से मेरी कोई मदद नहीं हुई। मुरादाबाद कप्तान साहब के यहाँ पर भी पेश हुई मैं, पर वहाँ से भी मेरा मुकदमा पंजीकरण नहीं हुआ। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे मुजरिम जेल जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। किस चीज़ का मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं? 376 का मुकदमा दर्ज हुआ है। कौन लड़का था? क्या रतुपुरे का रहने वाला सरताज अंसारी, उसने पिछले 2 साल से मेरे साथ बलात्कार किया हुआ है और अपने दोस्तों के साथ स्क्रीन वीडियो बनाई और उससे मुझे ब्लैकमेल करता रहा। दुष्कर्म कर वीडियो बनाने का मामला सामने आया, उसमें मुकदमा दर्ज किया है, क्या है पूरा मामला? एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया था कि उसके साथ पढ़ने वाले एक युवक के द्वारा उसके साथ गलत हरकत की गई। इस संबंध में थाना ठाकुर द्वारा पे केस रजिस्टर किया गया है और आगे की लीगल जो प्रोसीडिंग्स है उसको किया जा रहा है। सर, जो आरोपी है वो DM की स्टैनो बताए जा रहे हैं बरेली। इस संबंध में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, बट ये चीज़ संज्ञान में आई है कि वो बरेली में कहीं गवर्नमेंट सर्विस में है, बट वो केस से उस चीज़ का कोई संबंध नहीं है। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी नियमानुसार होंगी।